ये देखिए दोस्तों, हमारा फाइनली 10 मिनट बाद। मेरी जान आगे। हेलो दोस्तों, नमस्ते। एक न्यू वीडियो में फिर आपका स्वागत है दोस्तों। वीडियो में नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों। तो आज दोस्तों वीडियो इस प्रकार से है, आज हम बना रहे हैं दोस्तों साबूदाने की खीर। बहुत ही आसान तरीका और बहुत ही बेहतरीन। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले, सबसे पहले हम जाते हैं दोस्तों, चलते हैं धनिया काटने। क्यों? सबसे मेन चीज़ है धनिया। और सबसे पहले उठाते हैं दोस्तों हम चाकू। तो चलिए चाकू लेके चलते हैं पड़ोस के खेत में से धनिया काटने। तो चलिए दोस्तों, यो रखा जी हमारा चाकू। तुझे अब तेरी सेटिंग से मिले बने ले जा रहा हूँ। हाँ अब तो खुश है होगा ना? तो चल, बहुत दिन हो गए तुझे मिले हुए, चल। तो आगे जी पड़ोस के खेत में, खेत मतलब घेर में धनिया काटने। यो है दोस्तों धनिया। गर्मी के समय में यही बचा हुआ है धनिया थोड़ा सा, बस। बहुत दिन हो गए मैंने तुम्हें देखा नहीं है बूबू। आई लव यू मेरी जान। धनिया तू ठीक है? बड़ी सेक्सी लग रही है तू आजकल, तो बड़ी हॉट हो गई पहले से। कहा मुझे तो कोई भी आवे काट के ले जावे। हाँ भाई, मिल गया तू। चल बहुत देर होगी, अब बकवास बकचोदी, चल घर चल। तेरी चेली को भी साथ लेके जा रही हूँ, चल जल्दी चल। मालिक 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 मुझे मत काटो, मालिक 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 काटो जल्दी काटो, मालिक जल्दी मुझे काटो काटो, लेके चलो इसे मेरे साथ घर। चलो चलो जल्दी चलो मालिक काटो। तो दोस्तों ले आए जी धनिया और चलते हैं दोस्तों। अभी थोड़े धनिया को रखेंगे थोड़ी देर कसाई और कसाई उसके का बाद फिर हम मुझे सारा काट सामान के ही छोड़ा। तैयार कर लेते हैं, बाकी का प्रोसीजर आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों हमने जो साबूदाना है का मोटा वाला साबूदाना यूज़ कर रहे हैं साबूदानी खिचड़ी बनाने के लिए। तो कम से कम दोस्तों हमने ये साबूदाना जो है लगभग हमने आधा घंटा भिगो रखा था, इसे आधा घंटे से ऊपर हो चुका है। तो हमने जो साबूदाना डाला था और इतना सा पानी ऊपर रखा था, पानी अब्जॉर्ब कर लिया, बस थोड़ा बहुत ही पानी नीचे है जमीन से, बस। और उसके लिए कर रहे हैं मूँगफली और मखाने यूज़ कर रहे हैं। चलिए आगे का पोस्टर आपको दिखाते हैं। चुप, एकदम चुप, काम करने मुझे एकदम चुप। तो दोस्तों धनिया भी हमारा कट चुका है, मूँगफली भी रेडी है, मखाने भी रेडी है, साबूदाना भी रेडी है। और भिगोना हमने रख दिया, फैन गर्म हो जाएगा तो इसमें गिर देंगे जी 2 चम्मच घी। पता नहीं अब किसका नंबर लगेगा, किसका पिछवाड़ा गरम करेगा यो। मालिक मालिक मैं तनिक जरा चुप रहो, मूंगफली का नंबर है। तो दोस्तों तेल हमारा हो चुका है गरम, ये हो गया जी हमारी मूंगफली होगा फ्राई। तो जब तक गोल्डन कलर ना हो जाता तब तक इसे फ्राई करते मालिक मुझे रहना। कौन फ्राई कर रहा है? मालकिन आ गई क्या? हाँ मार्गिल तो आ गई है। हाँ, ऊपर ही हो चुकी जी फ्राई, इसे हम निकाल लेंगे क्योंकि गोल्डन कलर का हो चुका है। तो दोस्तों मूंगफली फ्राई के बाद इसमें गिर देंगे जी आलू, इसे कर देंगे जी फ्राई। आलू भी हो चुका है जी फ्राई, जिसे अब निकाल दिया। निकालने के बाद दोस्तों इस पे क्या करोगे? जी जीरा। अरे वो मखाना रह गया धनिया का दोस्त। हाँ मुझे भी छोड़ोगे, मुझे भी गिरो खोलते हुए तेल में डालो। हल्का फ्राई कर लो इसे, बस मखाने को हल्का सा फ्राई कर लेंगे। दोस्तों घी था कम तो इसलिए हमने मस्टर्ड ऑयल मतलब तो सरसों का तेल यूज कर रहे हैं इसमें। तो मखाना भी हो चुका जी फ्राई, ये हो गया जी धनिया का दोस्त मखाना निकल के आयो। दोस्तों थोड़ा सा ऑयल घेर लिया हमने इस पे घेर देंगे जी लाल मिर्च, सूखी लाल मिर्च
और कर देंगे जीरा, नमाजी की तड़का इस पे। अब साबूदाने के खीर पे रह गए जी हमारे टमाटर और हरी मिर्च चॉप करे हुए, अबे धनिया तेरा भी नंबर आ गया, टेंशन क्यों ले लिया है, लास्ट में गिरेगा तू, टेंशन क्यों ले रहा तू, गिरेगा। दोस्तों इसमें हम जो है सेंधा नमक यूज कर रहे हैं, तो आप बर्फी भी खा सकते हो और ऐसे ही बनाए खा सकते हो, क्योंकि यही हमारा सेंधा नमक। चलिए स्वाद अनुसार सेंधा नमक ऐड कर देना। तो उसके बाद यही दोस्तों हमारा मखाने और आलू सबसे पहले, उसके बाद जाएगा जी दोस्तों हमारा मूँगफली। ये हो गया जी दोस्तों हमारा मूँगफली, इसे भी थोड़ी देर फ्राई कर लेंगे मसाले के साथ ही। तो फ्राई करने के बाद दोस्तों इसमें क्या है हमारा साबूदाना, बड़े डालने से ये फूल चुका है साबूदाना। बस तो आलू गलाने के लिए थोड़ा सा इसमें पानी ऐड कर देंगे, 10 मिनट तक इसे फ्राई करेंगे। तो हमारा पानी इसमें कर देंगे जी पानी ऐड, बस आलू गलाने के हिसाब से इसमें पानी ऐड कर देंगे, 10 मिनट तक इसे हम पकाएंगे। तो उसके बाद नंबर आ गया धनिया का। मालिक, ओ मालिक, जल्दी आओ, साबूदाने की खीर रेडी है, धनिया को घेरो, जल्दी आओ। आ रहे हैं आ रहे हैं। ये देखिए दोस्तों हमारा फाइनली 10 मिनट बाद खिचड़ी तैयार है, सॉरी क्या कहते हैं इसे, साबूदाने की खीर रेडी है। देखिए दोस्तों कितना जबरदस्त, कितना बढ़िया लग रहा, वाओ। अब इसका हम लेते हैं दोस्तों स्वाद और आपको बताते हैं कैसे बना हुआ कैसे नहीं है। और इस पे जाएगा ये दोस्तों हमारा धनिया, ये हो गया। चलिए दोस्तों हमारी जो है साबूदाने की खीर रेडी है, हमने थोड़ा सा निकाल लिया टेस्ट स्वाद कैसा बना हुआ कैसा ना है, तो आपको बताते हैं। चलिए थोड़ा सा गर्म हो रहा है दोस्तों, हल्का सा ठंडा हो जान दीजिए, बिल्कुल मस्त हो चुका है, देखिए गजब बढ़िया खुशबू ज़बरदस्त आ रही मूँगफली की, साबूदाने की खीर की। साबूदाना बहुत ही ज़बरदस्त बनाएगा, साबूदाना जो है दोस्तों बचपन में बहुत हम खाते थे, अब मिला मौका खाने के लिए। चलिए मस्त बढ़िया बना हुआ दोस्तों। तो दोस्तों आई होप आपको थोड़ा बहुत मैं हंसा पाया, और इस तरह की वीडियो देखना चाहते हो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। तो मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में, अच्छा लगा हो तो दोस्तों कमेंट करके जरूर बताना, तो इसी तरह की वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा और बनाता रहूँगा। बाय बाय दोस्तों, जय हिंद।